मित्रों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के डेली नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। पंकज अडवाणी और आदित्य मेहरा की भारतीय जोड़ी ने बुधवार को यहां IBSF विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड पर 4-1 से आसान जीत दर्ज की। हांगकांग को भीषण क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद भारतीय सेमीफाइनल में थायर पेयर ऑफ थनावत तिरापोंगपाइबोन और कृतसनुत लर्सट्टायथॉर्न की थोई जोड़ी के खिलाफ निर्धारित दिखे। फाइनल में जीत अडवाणी की विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक 23 तक ले जाएगी, जबकि मेहरा के लिए यह पहला विश्व खिताब होगा। अखिल भारतीय मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM पार्टी चीफ के प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को PM नरेंद्र मोदी को भारत का पिता कहने के लिए आलोचना की। ओवैसी ने कहा, ट्रंप को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का कोई ज्ञान नहीं है। मोदी राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनकी तुलना महात्मा गांधी से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे दिग्गजों को भी इस तरह के किताब नहीं दिए गए, वे लोग पागल हो गए, ट्रंप ने कहा और जोड़ा, वह एल्विस की तरह था या ऐसा था वह एल्विस के अमेरिकी संस्करण की तरह है। बीस सितंबर को दक्षिण सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड हैदराबाद के एन कन्वेंशन सेंटर में हुए। महेश बाबू ने भारत अन्य नैनू में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट के रूप में समाप्त हुआ। चूंकि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर को तेलंगाना के राज्यपाल तामिली साई सौंदरराजन से पुरस्कार मिला। कन्नड़ अभिनेता यश ने निर्देशक प्रशांत नील की KGF में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। अनुष्का शेट्टी ने बागकामी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जबकि कीर्ति सुरेश को महानती में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।